हेलो एंड वेलकम टू क्रेविंग्स कॉल। त्यौहार आ रहे हैं तो घर में कुछ तो मीठा बनेगा ही, तो उसके लिए मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मिठाई की रेसिपी। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक इंस्टेंट कलाकंद की रेसिपी। ये बनाना बहुत ईजी है और ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध। अगर आप फुल क्रीम लेते हैं तो ये बहुत अच्छा बनता है, क्रीमी बनता है, क्योंकि हमें इसकी रबड़ी बनानी है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फुल क्रीम दूध लिया है। तो इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे। तो हम इसे लो फ्लेम पर रखेंगे और उबलने देंगे, और उसके बाद हम इसे तब तक पकने देंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाता और गाढ़ा नहीं हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर इसकी क्वांटिटी बिल्कुल हाफ हो चुकी है। जितना हमने दूध रखा था उसका आधा ये हो चुका है, पर हमें इस दूध को और गाढ़ा करना है। इसे हमें चलाते रहना है और ध्यान रखिए जो किनारे पे मलाई इकट्ठी हो जाती है इसे भी आप मिक्स करते रहिए, हटाते रहिए और दूध में मिलाते रहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध की क्वांटिटी कितनी कम हो गई है, पर अभी भी ये जो दूध है ये और पकेगा। लेकिन जब ये दूध हम अपना कलर चेंज करने लगता है तब हम यहाँ पर चीनी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधे कप से थोड़ी सी कम चीनी डाली है, कार्डमम पाउडर डाला है यानी कि हरी इलायची का पाउडर डाला है, और मैंने खूब सारे यहाँ पर कटे हुए बादाम और काजू डाले हैं। ये देखिए अब चीनी डालने के बाद हमें इसे और पकाना पड़ेगा, क्योंकि चीनी पिघलने के बाद इसको और कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा थिन कर देगी। तो ये देखिए धीरे धीरे इसको लो फ्लेम पे चलाते रहिए, और यहाँ पर ये जो दूध है इसका कलर कितना बढ़िया हो चुका है, कितना क्रीमी लग रहा है। और आप देख सकते हैं ये 1 लीटर दूध मैंने लिया था ये कितना थोड़ा रह गया है। ये देखिए इस पॉइंट पे जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, थिक हो चुका है, हम फ्लेम बंद कर देंगे, गैस बंद कर देंगे, और उसके बाद हम लेंगे एक बोल। उसमें मैंने यहाँ पर ब्रेड स्लाइस लिया है, एक वाइट ब्रेड ली है मैंने यहाँ पर, और इसके ऊपर हम गरम गरम ये रबड़ी जो हमने बनाई है उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, फैला लेंगे। ये देखिए तो हमें ये ठंडा होने का वेट नहीं करना है, रबड़ी को पहले ही डालना है ताकि ब्रेड जो है इस रबड़ी को, इसकी मिठास को अच्छे से सोक कर ले। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसकी लेयरिंग कर दी है। तो अगर आप चाहें तो 2 ब्रेड की लेयरिंग भी इनफ है अगर आप किसी बड़े बर्तन में फैला लेते हैं, पर मुझे यहाँ पर 1 लेयरिंग और चाहिए थी, मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने यहाँ पर 3 ब्रेड की लेयरिंग करी है। और उसके बाद हमें ऊपर से और काजू और बादाम हम इसके कटे हुए स्प्रेड कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पिस्ता डाला है कटा हुआ जो बहुत ही अच्छा कलर देता है। थोड़ा सा हम केसर डालेंगे, अगर आप चाहें तो सिल्वर वर्क का यूज़ कर सकते हैं डेकोरेट करने के लिए, या ड्राइड रोज़ पेटल्स का यूज़ कर सकते हैं। और ये बिल्कुल रेडी है, इसे ठंडा होने दीजिए, ये और अच्छे से सेट हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको एंजॉय कीजिए। ये बहुत टेस्टी लगता है, ये एकदम कलाकंद का इसमें फ्लेवर आता है। ये एक ऐसा डेजर्ट है जो इंडियन शुगर क्रेविंग को भी सैटिस्फाई करता है, और अगर आप इसे छोटे छोटे शॉर्ट ग्लासेस में सर्व करते हैं तो इंडियन पफेट की तरह सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी और मुझे बताइए ये आपको कैसी लगी।